पत्थरबाजी की घटना पर बागेश्वर धाम महाराज का बड़ा बयान। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पत्थरबाजी की घटना पर आया बड़ा बयान। बोले, भारत को भारत भी रहने दीजिए, बांग्लादेश मत बनाए, भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। छतरपुर में पुलिस पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा की गई पत्थरबाजी के बाद देश के जाने माने संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। गुरु जी क्या कहेंगे पत्थरबाजी घटना जो छतरपुर में हुई है? नहीं है और नंदनी है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में, सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की, इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। इस तरीके का कार्रवाई होना चाहिए अगर खाकी पर हमले होते हैं इस तरीके से जो करते हैं? झिझक, देखो वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या हो? तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो, पुलिस की वर्दी हमारे इस देश की कानून की रक्षक है, निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे, और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? धन्यवाद। आज किस तरह का कार्यक्रम है?